वंदे मातरम। नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल हरफन बंदा में स्वागत है। व्यूअर्स, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इन दोनों ही राष्ट्रीय पर्वों में हम बड़े शान से तिरंगा को लहराते हैं, पर आपको पता है कि इन दोनों दिनों में तिरंगा को फहराने में अंतर क्या है? आप कहेंगे कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर और 26 जनवरी को राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा फहराते हैं। आपका यह कहना सही है, पर मेरे सवाल का यह जवाब गलत है। मैं कौन किस दिन कहाँ तिरंगे को फहराता है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि फहराने की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का झंडा यूनियन जैक ही फहराया जाता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर तिरंगा फहराने गए तो पहले अंग्रेज़ के झंडे को नीचे उतारा गया और उसके बाद हमारे झंडे को नीचे से ऊपर उठाकर फहराया गया, और इसी क्रिया को झंडा उत्तोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है, यानी कि 15 अगस्त को हम झंडा उत्तोलन करते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हम गुलामी के गर्त से आज़ादी की ऊंचाई तक पहुंच गए। किंतु 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को झंडा उत्तोलन नहीं किया जाता, कारण हम ऑलरेडी आज़ाद हो चुके हैं और हमारा तिरंगा ऊँचाई पर पहुँच चुका है, अतः इस दिन झंडे को ऊपर ही बांधा जाता है और हमारे राष्ट्रपति रस्सी को खींचकर उसे फहराते हैं। इसे झंडा फहराना या फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। तो व्यूअर्स, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे हौसले को बढ़ाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।